दोस्तों नई दिल्ली में हुए इवेंट के दौरान Xiaomi ने अपने स्मार्टफोन के अलावा अन्य एक्सेसरीज को भी लॉन्च कर दिए। मगर यहाँ पर स्मार्टफोन की बात की जाए तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 64 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन और लगभग क्वाड कैमरा सेटअप के साथ इसको भारत में लेकर आई। बात करेंगे इसी मोबाइल के बारे में, रियलमी XT के बारे में। तो मेरा नाम मनोज, आप देख रहे हैं टेक्निकल MJ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई टाइम गवाए। तो बात करते हैं यहाँ पर Realme XT के बारे में। तो हालांकि यहाँ पर बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि Realme जो स्मार्टफोन है वो 64 मेगापिक्सल के ऊपर काम कर रही है, और इससे पहले Xiaomi भी 64 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रही थी। मगर यहाँ पर उन दोनों के बीच में रेस चल रही थी कि इंडिया में कब स्मार्टफोन को लेकर आएगी। तो यहाँ पर Realme सबसे पहले इंडिया में 64 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन को लेकर आई। बात करते हैं इसके स्क्रीन साइज के बारे में, तो यहाँ पर 6.4 इंच का सुपर प्लस यहाँ पर HD प्लस सुपर एंड्रॉइड डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको इसमें। साथ में इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का भी देखने को मिलता है। साथ में बात की जाए इसके कैमरा क्वालिटी के बारे में, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है दोस्तों यहाँ पर कैमरा क्वालिटी, जो कि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर कैमरा मिलता है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन जैसे फीचर से कैमरा लेस है। साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसरिंग कैमरा इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। साथ में जहाँ तक बात की जाए बैक पैनल की, तो यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश के साथ ये ब्लैक पैनल देखने को मिलता है, जो कि 2 कलर वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है, जो कि ब्लू और यहाँ पर व्हाइट कलर के साथ इस मोबाइल को लॉन्च कर दिया है। जहाँ तक बात की जाए यहाँ पर फ्रंट पैनल के बारे में, तो यहाँ पर 60 का फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर नाइट मोड बोके इफेक्ट के साथ ये कैमरा देखने को मिलता है। साथ में बात की जाए इसके बैटरी बैकअप की, दोस्तों यहाँ पर लगभग 4000 mAh की बैटरी जरूर दी गई है इसमें, मगर इसमें आपको 20 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को फास्ट चार्जिंग बुक जो चार्जिंग होती है उसको ये सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से आप 3.0 की तकनीक से इस मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे आप, तो ये भी बहुत खास है। साथ में इसमें आपको USB टाइप सी भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके अलग अलग वेरिएंट के बारे में, तो यहाँ पर तक वेरिएंट के साथ इस मोबाइल को लॉन्च किया है, जो कि पहला वेरिएंट आता है 4GB 64GB का। प्राइस की बात की जाए तो 15999 यहाँ पर प्राइस रखी गई है, यानी कि 16000 रुपये की इस प्राइस रेंज में यहाँ पर स्टार्ट होता है ये मोबाइल। दूसरा वेरिएंट आता है पर 6GB 64GB का, प्राइस की बात की जाए तो 16999 देखने को मिलती है। और जो तीसरा और अंतिम वेरिएंट आता है वो आता है 8GB 128GB का, प्राइस की बात की जाए तो 18999 यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि 19000 के आसपास यहाँ पर इस प्राइस को देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस प्राइस रेंज में आपको स्नैपड्रैगन का 712 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि रियलमी 5 प्रो में भी वही प्रोसेसर इस्तेमाल किया है। दोस्तों बात करेंगे रियलमी XT के बारे में, तो यहाँ पर रियलमी ने भी कहा है कि दिसंबर के महीने में इसका अपडेट वर्जन भी हम लेकर आएंगे। मगर यहाँ पर देखने वाली बात होगी Xiaomi जो है वो अपने Realme 8 Pro को कब तक यहाँ पर इंडिया में लेकर आती है, और आने के बाद किस प्राइस रेंज में आती है वो भी देखने वाली बात, क्योंकि यहाँ पर Realme जो है वो काफी बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन को लेकर आई है। ऐसे में अब Realme के लिए बहुत टक्कर सी बन चुकी है स्मार्टफोन को लेकर। तो दोस्तों देखेंगे Realme आने वाले टाइम में और कौन से स्मार्टफोन लेकर आती है। मगर आपको क्या लगता है स्मार्टफोन के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम लाते रहेंगे रोजाना ऐसे नए नए वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।